స్వాతంత్ర సమర యోధులు భారత తొలి విద్యాశాఖ మంత్రి మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ జయంతి సందర్భంగా అనంతపురం జిల్లా వైఎస్ఆర్ బస్ స్టాండ్ మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ సర్కిల్ వద్ద ఎమ్మెల్సీ ఇక్బాల్ నివాళులు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సిపి శ్రేణులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई है अल्लाह. हमारे जगन साथ जो है अल्लाह, उन्होंने भी अल्लाह पूरी कौम के लिए अल्लाह सबके लिए अल्लाह बहुत फ्रीडम स्ट्रगल के लिए और आवाम की महबूदी के लिए, उनके पढ़ाई के लिए मौलाना आजाद एजुकेशन मिनिस्टर रहे हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान के, और बच्चों की पढ़ाई पे उन्होंने तवज्जो दी. आज सचार कमेटी हो या जो भी कमेटी हो, उनका कहना यह है कि भाई मुसलमान कौम पढ़ाई में काफी पीछे हैं और सर्विसेज जो भी जॉब्स हैं उसमें भी उनकी तादाद बहुत ही कम है परसेंटेज. तो हमारी तवज्जो रहेगी, खुसूसन मैं हिंदूपुर में, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब आने वाले दिनों में हम यहां के नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे, कांस्टेबल हो या स्टाफ सिलेक्शन हो, ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छा पढ़े और काफी नौकरियों में उन्होंने वो आए. एक वाहिद शख्स राज सेक्रेटरी साहब थे जो 4% रिजर्वेशन उन्होंने दी, जिसके वजह से आज काफी लोग डॉक्टर इंजीनियर बने हैं हमारे मुसलमान बच्चे. आजकल टीडीपी वाले बोल रहे हैं एक नंदाल का हादसा हुआ है, वो दर्दनाक हादसा, दिलों को रंज देने वाला हादसा हुआ है, मगर उसके बाद जो कार्रवाई हमारी सरकार ने की है, पुलिस इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल को ना कि बल्कि सस्पेंड करना, उन पर केस लगाना, मगर वो केस पे आप देखिए कि उनको बेल आने के लिए तेलुगुदेशम का ही एडवोकेट उस केस को आर्ग्यू करके उनको बेल पे निकाला बाहर. अब ये लोग झूठी मोहब्बत जो जता रहे हैं अभी तेलुगुदेशम वाले, जब 4-4.5 साल तक तेलुगु नारा चंद्रबाबु नायडू साहब मुसलसिल कहते रहे कि भाई मुझे मुसलमान लोग वोट नहीं दिए, मैं उनकी बहबूदी के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, उनको मिनिस्ट्री नहीं दूंगा, ये ओपन खुली बात थी, खुला रास्ता है. उन्होंने 4.5 साल तक कोई मिनिस्ट्री कुछ भी नहीं किया मुसलमानों की बहबूदी के लिए. जब नारा हमारा टीडीपी हमारा बोलकर गुंटूर में इलेक्शन के पहले 6 महीने पहले एक मीटिंग लगाकर उन्होंने एक मीटिंग लगाई जहां नंदयाल के ही बच्चे उठकर प्लैकार्ड बताए कि भाई आप ही के मिनिस्ट्री में अपने बेटे को मिनिस्टर बनाए, एक मुसलमान बंदे आपके एमएलसी भी हैं उनको मिनिस्टर नहीं बनाए, ये क्या बात है. ये प्लैकार्ड जैसे ही बताए उन्होंने उनपे एक देशद्रोह केस और ऐसे केसेस लगाकर उनको मार पीट कर नॉन बेलेबल केसेस लगाकर उनको अंदर देशद्रोही बनाकर उनको अंदर नॉन बेलेबल सेक्शन लगाए थे. जब भी हम आवाज उठाए थे उनको बेल नहीं दिया गया, मारा गया, पीटा गया, एक बच्चा उसमें पोलियो वाला थी.